सुप्रभात प्यारे बच्चों, सुप्रभात। वैदिक अभिवादन, नमस्ते जी। वैदिक ध्वनि ओम। आशा करती हूँ आप सब और आपका परिवार मंगलमय होगा। तो आज हम बात करेंगे हिंदी के विषय में, और आज हम करेंगे हिंदी का विषय। कल हमने इंग्लिश किया था, और इंग्लिश में हमने कल एक नया लेटर किया था क्यू, जिसका फोनेटिक साउंड होता है क्व, और उसमें हमने कुछ नए वर्ड सीखे। जैसे बर्ड का नेम था क्वेल, और जो फेदर था जिससे हम लिखते हैं उसको बोलते हैं हम क्विल। ओके, आज हम करेंगे हिंदी, और हिंदी का करेंगे हम एक नया व्यंजन। हमारी 3 लाइन्स खत्म हो चुकी है, क की लाइन, च की और ट की। आज हम एक नई लाइन को शुरू करने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं त वर्ग की लाइन। ठीक है, इसमें सबसे पहले आएगा त। कौन सा व्यंजन आएगा? त। तो आज हम करेंगे व्यंजन त। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले तो जब भी हम अपने काम की शुरुआत करते हैं तो किससे करते हैं? हम अपने व्यंजन गीत से करते हैं। किससे करते हैं? व्यंजन गीत। और आज व्यंजन गीत में एक और नया व्यंजन जुड़ जाएगा त। त ताला है दरवाजे पर, त ताला है दरवाजे पर। देखिए, क ख ग घ ग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण। और अब आ गई त वर्ग की लाइन, और इसमें सबसे पहला व्यंजन है त। त ताला है दरवाजे पे। तो चलिए सबसे पहले व्यंजन गीत सुनेंगे, फिर कहानी में आने वाले किरदारों से मिलेंगे, उसके बाद कहानी सुनेंगे। तो आप तैयार हैं? तो शुरू करते हैं जय माता दी करके, हैप्पी नवरात्रे और जय माता दी करके। ठीक है, आइए और ध्यान से सुनिए और दोहराइए। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं अपने प्यारे व्यंजन गीत से, क्योंकि आपको पता है दोहराना भी इतना ही ज़रूरी है जितना कुछ नया सीखना, क्योंकि अगर हम नया सीखते जाएंगे और पुराना भूलते जाएंगे तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करें। क केला तोड़ा माली ने, ख खीरा रखा थाली में, ग गमले में है पौधा उगाना, ग घड़ी सुनाए टिक टिक गाना, अंगा को घ के बाद है आना, च चम्मच से हम खाना खाते, छ छाता लेकर धूप में जाते, ज जहाज है पानी में चलता, ज झंडा है ऊंचा लहराता, य को नाक से बोला जाता, ट टमाटर में है लाली, ठ ठेला भर कर लाया माली, ट डमरू बोले डम डम डम, ढ ढोलक बोले ढम ढम ढम, अण को बुलाओ दम दम दम। अब आया हमारा नया व्यंजन, वो है त। ये देखिए, त त ताला है दरवाजे पर, त ताला है दरवाजे पर, त ताला है दरवाजे पर। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसकी कहानी के किरदारों से मिलेंगे, और फिर हम अपनी अक्षर विजय किताब से इसकी कहानी सुनेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जैसा कि मैम ने आपको पहले भी बताया, ये रहा हमारा व्यंजन त, ये रहा हमारा व्यंजन त, और इसको बनाना बहुत आसान है। ये रहा त, त ताला है दरवाजे पर। एक वर्टिकल लाइन, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर एक छोटा सा कर्व बनाएंगे जो नीचे वाली लाइन से हम जोड़ देंगे, और फिर शिरोरेखा त, शिरोरेखा त। चलिए एक बार फिर से देखें, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड देन अ कर्व, नीचे जॉइन करेंगे और फिर शिरोरेखा त, त, त ताला है दरवाजे पर। अब मैम ने आपको बोला था त व्यंजन की कहानी में भी हम कुछ नए किरदारों से मिलेंगे, तो ये कहानी में मेन जो करेक्टर्स हैं, मेन जो, जैसे हर फिल्म में एक मेन हीरो होते हैं ना, हीरो हीरोइन विलन, उसी तरह इस कहानी के मेन हीरो हैं तनुज और तमसराम। तनुज, त से तनुज और त से तमसराम। तो ये हैं तनुज, त त तनुज। ये कौन है? त त तनुज। कौन है ये? त त तनुज। और तनुज के हाथ में क्या है? ये तौलिया, त त तौलिया, त त तौलिया, तनुज तौलिया। और तनुज, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तनुज को, तो तनुज तो नहा रहे थे, तो वो किस में नहा रहे थे? वो इस छोटे से
तालाब में नहा रहे थे। किस में नहा रहे थे? इस छोटे से तालाब में नहा रहे थे। ये क्या है? त तालाब, त तालाब, जिसको हमने इंग्लिश में पॉन्ड पढ़ा था, बिल्कुल वही तालाब। ये है तकिया, त त तकिया, त तकिया, त तकिया, त तकिया, त तलवार, त तलवार होती थी ना राजाओं के पास, उनके सिपाहियों के पास तलवार, तो ये है त तलवार, त तलवार। और ये क्या है? त से तौलिया, त तौलिया। नहाने के बाद हम अपने बॉडी को इससे पोंछते हैं, ठीक है, सुखाते हैं ना हम अपनी बॉडी को इससे, तौलिया, जिसको हम टॉवल बोलते हैं, ये है तौलिया, त तौलिया, त तौलिया, त तौलिया। ओके, अब ये सुंदर सी रंग बिरंगी क्या है? त तितली, त तितली, त तितली। और ये कौन है? ये है तमसराम। कौन है ये? तमसराम, त तमसराम, त तमसराम। कौन है ये? त तमसराम, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये है तराजू। क्या है ये? त तराजू, जिससे हम सब्जी, फ्रूट, फल सब चीज़ें तोलते हैं। देखा होगा आपने ऐसा तराजू, जब भी आप अपनी मम्मा या पापा के साथ सब्जी लेने गए हो या फ्रूट लेने गए हो, वहाँ पे सब्जी वाले ने एक तराजू रखा होता है जिसमें वो फल और सब्जियों को तोल कर आपको देता है, ठीक है। ये है त तराजू, त तराजू। और इस तराजू में हम क्या तोल रहे थे तमसराम जी? इसमें क्या तोल रहे थे? त तरबूज, त तरबूज, तरबूज। क्या तोल रहे थे? तरबूज। क्या तोल रहे थे? त तरबूज। ये है त तरबूज। और ये कौन है? इनको तो आप अच्छी तरह जानते हो, त तोता, त तोता जी, हमारे प्यारे तोता जी। देखिए इनकी लाल लाल चोंच है, हरे हरे ये खुद हैं, त तोता, त तोता। और ये है ताला, त से ताला, त ताला, त ताला, त ताला, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये क्या है? अगर आप सुबह मॉर्निंग असेंबली लगाते हो तो आपने देखा होगा एक सर है जो ये बजाते हैं, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये है तबला, त तबला, त तबला। ये देखो ये दोनों साथ में होते हैं, ठीक है, ये है तबला, त तबला, त तबला, ठीक है। तो ये थे इस कहानी के किरदार, और इस कहानी में बहुत किरदार हैं, लेकिन जो मेन दो किरदार हैं वो कौन हैं? त त तनुज और त त तमसराम, त तनुज और त तमसराम, ठीक है, त तनुज और त तमसराम। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब मैम आपको बताएंगे हम क्या करेंगे। अब हम अपनी अक्षर परिचय किताब खोलेंगे और उसमें से हम ये कहानी को दोहराएंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो खोलिए अपनी अक्षर परिचय किताब, ये रही हमारी अक्षर परिचय किताब, और ये है व्यंजन त, व्यंजन त, व्यंजन त। अब हम एक बार फिर से सारे सारे नए शब्दों को दोहराएंगे, तबला, त तबला, त तबला, त तनुज, त तनुज, और तनुज के हाथ में क्या है ये? त तौलिया, त तौलिया। और तनुज किसके पीछे भाग रहा है? त तितली के पीछे। किसके पीछे? त तितली। और इसने साइड पे क्या रखा है? तलवार, त तलवार, और त तकिया। साइड पे क्या रखा है? त तलवार और त तकिया। और तनुज किस में नहा रहा है? क्या है ये? त तालाब, त तालाब। चलिए अब इधर चले, और तो ये कौन है देखो ज़रा ध्यान से, यही तो है वो तमसराम, इस कहानी के दूसरे हीरो, त तमसराम, त तमसराम। और तमसराम किस चीज़ के साथ बैठे हुए हैं? देखो उनके सामने क्या पड़ा है? त तराजू, त तराजू। और तराजू में वो क्या तोल रहे हैं? तराजू में तरबूज, त तरबूज, त तरबूज।
और ऊपर देखो ये कौन उड़ रहा है, कौन सा पंछी है ये बताइए? तोता, त तोता, त तोता। और तोता के चोंच में क्या है, क्या रखा है उसने पकड़ कर अपनी चोंच में? ताला, त ताला, त ताला। तो इसमें बहुत सारे किरदार हैं और आपने कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक पे पॉइंट ऑफ फिंगर रखनी है और उसको पढ़ना है। अब है बारी इसकी कहानी सुनने की, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा। तनुज ने तालाब के किनारे तकिया और तलवार रखी, ये है तनुज। और तनुज ने अपने तालाब के किनारे क्या रखी, तकिया रखा और तलवार रखी। तनुज ने तालाब के किनारे तकिया और तलवार रखी, और तनुज ने क्या किया, वो तौलिया लेकर किसके पीछे भागने लगा, तितली के पीछे भागने लगा। उसको ये तितली बहुत सुंदर लगी, इसलिए तनुज ने सोचा क्यों ना मैं इस तितली को पकड़ूं। लेकिन तितली को पकड़ना इतना आसान थोड़ा ना होता है, तो तनुज ने क्या किया, अपना तौलिया लेकर तितली के पीछे भागने लगा। तनुज अपने तौलिए में तितली को पकड़ने की कोशिश करने लगा। अब ध्यान से देखोगे तालाब की दूसरी तरफ कौन है, तालाब की दूसरी तरफ तमसराम, ये हैं तमसराम। तराजू से तरबूज तोल रहे थे तमसराम जी, तालाब की दूसरी ओर क्या कर रहे थे, तराजू से तरबूज तोल रहे तमसराम जी, तराजू से तरबूज तोल रहे थे। तभी उसने देखा, किसने, तनुज ने। तभी उसने देखा, किसने, तनुज ने, कि एक तोता ताला लेकर तबले की तरफ आ रहा था। तभी तनुज ने क्या देखा कि एक तोता चोंच में ताला लेकर किसकी तरफ आ रहा था, तबले की तरफ। किसकी तरफ आ रहा था, तबले की तरफ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये थी त व्यंजन की कहानी। आशा करती हूँ कहानी अच्छी लगी होगी। और देखियो कितने सारे किरदार हैं इसमें, तितली है, तबला है, और ये सारे किरदार हम इंग्लिश में पहले भी कई किरदार पढ़ चुके हैं, जैसे तोता, पैरट, ताला, लॉक, ये क्या है, तितली, बटरफ्लाई, इस तरह से। ठीक है, तो एक बार फिर रिवीजन हो गया, और आज आपने इस कहानी को ध्यान से पढ़ना है इस तरह से पॉइंट ऑफ फिंगर रख के। ओके, टेक केयर, बाय बाय। और अगला वीडियो ध्यान से देखना, उसमें हम एक फन एक्टिविटी के साथ त को लिखना सीखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों।